कृष्णनगरी मथुरा में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल बन गया जब गेहूं की फसल में अचानक से शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। देखते ही देखते आग ने अपना विकराल रूप धारण कर लिया। ग्रामीणों ने घटना की सूचना फायर ब्रिगेड को दी। वहीं फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर नहीं पहुंचने पर ग्रामीणों ने खुद ही कड़ी मशक्कत से आग पर काबू पा लिया, लेकिन तब तक पूरी फसल जलकर राख हो चुकी थी। दरअसल पूरा मामला गोवर्धन इलाके के अडिंग गांव का है, जहां किसान के खेत से जा रही विद्युत लाइन में शॉर्ट सर्किट हो गया। शॉर्ट सर्किट की वजह से गेहूं की फसल में आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि आग की चपेट में आने से गेहूं की फसल जलकर राख हो गई, जिसमें करीब 1,00,000 रुपए का नुकसान बताया जा रहा है। वहीं मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने घटना की सूचना फायर ब्रिगेड को दी। आनन फानन में ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत से आग पर काबू पा लिया, जिसके बाद घटना स्थल पर पहुंची पुलिस ने घटना का जायजा लिया। ये लाइट के द्वारा लगी हुई, लाइट काटते लगे डंफर पर 2.5 साल लगती है। तो आपने किसी को सूचना दी मौके पर? मौके पर एसडीओ को फोन करो, ये काम ना उठाए, बिजली बारी ये थारे, अब आई मारे तो बाल मुकदमा लग जाए। 112 नंबर पे कॉल की थी आपने? 112 पे कर ली, 112 बार सुनाई ने आई तो आँच इतनी बार रही कि बिंदु को हमने सारो दियो कि हमें आदमी को नंबर दे दो, वे गोवर्धन तरफ भाग के सब। लगभग कितने का नुकसान हुआ वहाँ भैया? ऐसा समझो 3 बीघे को, 3 बीघे आई 1,00,000 को मानो, 90-30 हज़ार रुपये बीघे को गेहूँ बैठ रहा किसान को, 1,00,000 के करीब नुकसान है 3 किसान यहाँ। बता दें कि गेहूं की फसल में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। आग लगने से पूरी फसल जलकर राख हो गई। ग्रामीणों का आरोप है कि सूचना के बाद भी फायर ब्रिगेड की टीम घटनास्थल पर नहीं पहुंची।